नमस्कार दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक जोड़ा प्लांट की केयर के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर के महीने में भी यदि आप इन पौधों से फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो हमें इनकी कैसे देखभाल करनी है और इन पौधों में हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए ताकि इसमें भर भर के फूल आएँ। और एक जोड़ा में वैसे भी गुच्छों में फूल खिलते हैं, यदि आप इन पौधों की अच्छी केयर करते हैं तो ये पूरे पौधे फूलों से भर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इन पौधों में हमें क्या क्या काम करने हैं और इन पौधों में कौन सी खाद डालनी चाहिए। एक्जोरा के इन पौधों में पूरी गर्मी के सीज़न में फ्लावरिंग होती रहती है। यदि हम अब सितंबर के महीने में इनमें अच्छी खाद डाल देते हैं और इनकी लोकेशन का ध्यान रखते हैं तो ये पौधे नवम्बर तक भी फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें इनमें क्या क्या काम करने हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि अधिक से अधिक फ्लावरिंग लेने के चक्कर में पौधों में अधिक खाद डाल देते हैं। अधिक खाद डालने से पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं और इनकी फ्लावरिंग भी रुक जाती है और ये पौधे ग्रोथ भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि हमें इन पौधों में कोई भी खाद नहीं डालनी है। फ्लावरिंग प्लांट्स में अधिक खाद डालने से अधिक फ्लावरिंग नहीं होती है। जब इनका फ्लावरिंग सीजन होता है तो ही फ्लावरिंग होती है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें और इनमें खाद डालना कम कर दें। एक्जोरा के पौधे की लोकेशन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप इन पौधों को यदि पूरे दिन भर की डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रखोगे तो इनके फूल कम हो जाएंगे। आप इनको ऐसी लोकेशन प्रोवाइड कीजिए जहां इनको केवल एक दो घंटे की ही डायरेक्ट सनलाइट मिले, उसके बाद ये ब्राइट लोकेशन में रहें। मैंने इस पौधे को ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ इसको एक दो घंटे की सनलाइट मिलती है, उसके बाद ये छायादार लोकेशन में रहता है। पहले मैंने इसके गमले को ऐसी जगह रखा हुआ था जहाँ इसको सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक डायरेक्ट सनलाइट मिलती थी। अधिक डायरेक्ट सनलाइट मिलने से इसकी फ्लावरिंग कम हो गई थी। जब इन पौधों को अधिक सनलाइट मिलती है तो इनके पत्तों की टिप ब्राउन होने लगती है और इनकी ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए आप इनकी लोकेशन का ध्यान रखें। अब गर्मी के सीजन में मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए आप एक्जोरा के पौधों में हर रोज़ पानी डालें। गर्मी के सीजन में ही इनका ग्रोविंग पीरियड होता है और इनके नए नए पत्ते निकलते रहते हैं। नए नए पत्तों के साथ में इनमें फ्लावरिंग बर्ड्स भी निकलते रहते हैं और इनके फूल गुच्छों में खिलते हैं। इन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और अधिक फूल लेने के लिए हमें इन पौधों में हर रोज़ पानी डालना है। हर रोज़ पानी डालते हैं तो आप इनके गमले का ड्रेनेज होल भी चेक करते रहें। यदि गमले का ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाता है तो हमें इनमें पानी कम कर देना है। जब आप इन पौधों को लगाते हैं तो उसी टाइम आप इनके गमले की मिट्टी तैयार करते समय ही इसमें काउडंग कंपोस्ट मिक्स कर लें। इसके अलावा हमें इसमें और कोई भी खाद नहीं डालनी पड़ती है। आप बार बार इन पौधों की मिट्टी में खाद ना डालें। सर्दी के सीजन में जब इन पौधों में फ्लावरिंग नहीं होती है तो भी इनके पत्ते बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। ये परमानेंट प्लांट होते हैं। यदि आप एक बार इन पौधों को अपने गार्डन में लगा लोगे तो ये सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। गमले में जब आप इन प्लांट्स को लगाते हैं तो गमले का साइज़ कम से कम 10 इंच ही होना चाहिए। 10 इंच से छोटा गमला आप ना लें क्योंकि परमानेंट प्लांट होते हैं और इनकी जड़ें नीचे गहराई तक जाती हैं। यदि छोटे गमले में इनको लगाएंगे तो हमें इनकी ग्रोथ कम देखने को मिलेगी और ये पौधे फ्लावरिंग भी कम करेंगे। अब सितंबर के महीने में तेज़ धूप और गर्मी पड़ती है, इसलिए हमें इस पौधे की लोकेशन को चेंज कर देना है। हमें इसको कम सनलाइट वाली लोकेशन में रखना है। यदि आप मेरी बताई गई इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके एक्जोरा के ये पौधे नवम्बर दिसंबर तक भी फ्लावरिंग कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।